क्या लगा आपको? मूवी तो एकदम बढ़िया था। अभी आपको फ्रेश शो देख के आए हैं, मतलब बहुत अच्छा था। मैं तो आ रहे थे 10-15 और म्यूजिक लेवल एकदम बहुत हार्ड था। म्यूजिक लेवल का ऑडियंस का अपना बेस्ट एक्टर्स उसमें है और दीपिका पादुकोण और रणवीर एकदम हाई एक्टर, उन्होंने एक्शन किया है। और नेक्स्ट अपना जो बेस्ट मोमेंट कौन सा था मूवी में? और रणवीर दीपिका की केमिस्ट्री आपको कैसी लगी? रणवीर दीपिका की केमिस्ट्री तो बहुत सही है, लेकिन जितना फील लेना डायरेक्टर साहब ने उतना फील तो दे चुके हैं पूरा मूवी में। जितना फील मतलब देना है रणवीर और दीपिका का उतना केमिस्ट्री तो बहुत सही है। और कबीर सिंह का डायरेक्शन कैसा लगा आपको? डायरेक्शन एक ही मोड में बोले तो हाथ डाला, सिनेमाटोग्राफी एकदम सही है और दिया है। ऐसा लगा कि अपन को ना पूरे अलग ही दुनिया में, 83 के दुनिया में लेके गए। मेरे को फाइनल मुझे बहुत पसंद आया। साकेत सलीम का कैसा रोल था? अभी आप 83 मूवी देख के आ रहे, जो प्रेस तो रखा गया था बॉम्बे में, सब क्या कहना चाहोगे मूवी के बारे में? फिल्म के बारे में आप कह रहे हैं कि किस तरह की फिल्म है? बेहतरीन फिल्म, जबरदस्त फिल्म है। फर्स्ट हाफ अगर काफी इतना ग्रिपिंग नहीं था फर्स्ट हाफ जिस तरह से शूट किया गया, लेकिन सेकेंड हाफ आपको चौंका देता है। बहुत ही जबरदस्त फिल्म है सेकेंड हाफ। इमोशंस है, कॉमेडी है, हर चीज़ है। एक रोलर कोस्टर राइड है सेकंड हाफ जो है फिल्म का, बहुत ही जबरदस्त सेकंड हाफ। रणवीर दीपिका के बारे में क्या कहना चाहोगे, जो अभी रियल लाइफ में भी जोड़ी और फिल्म में भी दिखाया गया है कपिल देव की जो वाइफ बनी है दीपिका पादुकोण, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? जी बिल्कुल, फिल्म में भी जिस तरह से उन्होंने जो किरदार निभाया है दीपिका ने, कपिल देव की जैसे वाइफ थी वो बिल्कुल वैसे ही, वही एकदम सेम किरदार है उनका। उनका जो हेयर स्टाइल है वो भी सेम है कपिल देव की वाइफ से मिलता जुलता, काफ़ी चीज़ें सिमिलरिटी है जो कपिल देव की वाइफ है। रणवीर के बारे में क्या कहेंगे, बहुत ज़बरदस्त काम किया रणवीर ने, जिस तरह से हमेशा करते हैं वो। लेकिन इस फिल्म में जैसे कपिल देव रियल लाइफ में है, जिस तरह कपिल देव बात करते हैं, कपिल देव का जो हेयर स्टाइल है, कपिल देव की जैसे दांत है, उनकी मुस्कैच है, वो सारा का सारा किरदार बिल्कुल फिट होता है जिस तरह से काम किया हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त काम किया रणवीर ने, और भी नहीं किया है, ये भी नहीं किया है, एकदम नेचुरल है रणवीर से। आपको मूवी में एकदम फनी सीन क्या लगा, जितना फनी जो एकदम हंसाने वाला हो? मैं आपको बताऊँ कि फनी सीन इतने हैं मूवी में, मैं आपको ये नहीं कह सकता कि एक फनी सीन है या फर्स्ट हाफ में फनी सीन है। पूरी फिल्म में एक इमोशंस के साथ में कई फनी सीन है, और आपको वो फिल्म पूरी की पूरी एक फन राइड पर लेके जाती है, इमोशंस के साथ में आपकी खेलती है, एक ओवरऑल एक फुल पैकेज फिल्म है। और कबीर खान का को डायरेक्शन कैसा लगा, जो एकदम बाकी सब मूवी से और इसमें जो क्रिकेट की मूवी में? अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन है, अनएक्सपेक्टेड है। उन्होंने जो रियल लाइफ को जिस तरह से पर्दे पर लेकर आए कबीर खान, वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, बहुत ही जबरदस्त डायरेक्शन है। पहले भी उन्होंने कई फिल्में बनाई है, बट दिस इज वन ऑफ हिज बेस्ट फिल्म्स। और क्रिसमस के मौके पर मतलब ये मूवी के साथ में जर्सी भी आ रही है, मतलब क्रिसमस के वीक में एक साथ दो क्रिकेट की मूवी, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, जर्सी भी आ रही है तो एक टफ कंपटीशन होगा, देखना होगा कि अब जर्सी कैसी बनी है, वो भी स्पोर्ट्स के ऊपर है। और ये फिल्म जिस तरह से इतनी मेहनत से बनाई गई है, जिस तरह से इमोशंस है, जिस तरह से ये फिल्म इतनी ग्रिपिंग है, तो जर्सी के लिए इसके साथ में खड़ा होना, किस तरह से जर्सी बनी हम तो वो तो देखना होगा। जब तक जर्सी नहीं देखी है तब तक कुछ कह नहीं सकते हैं। आप 5 में से कितने स्टार देना चाहोगे? स्टार देना, लेकिन मैं 5 में से बिल्कुल 4 देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। 83 अभी आप मूवी देख के आ रहे, आपको कैसी मूवी लगी? फिल्म बहुत ही अच्छी है। आई गेस आप अगर ये फिल्म देखेंगे तो आपको एक मास्टर पीस देखने को मिलेगा कबीर खान की तरफ से। आपने भले ही 1983 का वो ओरिजिनल मैच नहीं देखा होगा, लेकिन इस फिल्म के जरिए मैं कह सकती हूँ आप उस मैच को महसूस ज़रूर करेंगे और आप उस मैच को फील भी करेंगे, और इस बात का आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 1983 का वो मैच कितना मेसमराइजिंग था और कितना अच्छा। आपको एकदम अच्छा मोमेंट कैसा लगा, जो है जो एकदम दिल को एकदम टच कर देता है? लास्ट विनिंग मैच जो है वो छूने वाला है, और किस तरह से कपिल देव ने अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखा है पूरे फिल्म के दौरान,
कि यू नो हर किसी ने उनको डीमोटिवेट किया ये कहकर कि यू नो हम दो मैच जीत के अब हमें हार मान लेना चाहिए, बट कपिल देव का जो कॉन्फिडेंट है वो इस पूरी फिल्म को बहुत ही अच्छा बनाता है। रणवीर दीपिका की आपको केमिस्ट्री कैसी लगी रियल और रील में? रियल और रील दोनों में ही रणवीर दीपिका अच्छे लगते हैं और उनकी केमिस्ट्री जो है वो इस फिल्म के अंदर भी उतनी ही अच्छी लगी। बल आपको इतना ज़्यादा उनका कुछ केमिस्ट्री या कुछ ऐसा नहीं, हाँ बट वो दोनों के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको ज़रूर मिल जाएगी। क्या आपको लगता है कि ये मूवी के बाद रणवीर सिंह कुछ अलग अंदाज में दिखे दिखने मिलेंगे? रणवीर सिंह की अगर बात करूँ मैं, रणवीर ने अभी तक के अपने करियर में जितने भी फिल्में की हैं, फिर चाहे वो पद्मावत हो या फिर कोई भी फिल्में हो, मैं कह सकती हूँ बाजीराव मस्तानी हो, रामलीला हो, उनकी सारी फिल्में बहुत ही बेहतरीन रही हैं। लेकिन ये फिल्म जो है वो जिस तरह से उन्होंने कपिल देव को रेप्लिकेट किया है, आप ये नहीं कहेंगे कि ऑन स्क्रीन आप रणवीर सिंह को देख रहे हैं। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको इस चीज़ का पूरा महसूस होगा कि कपिल देव जो है वो इस फिल्म के अंदर खुद काम कर रहे हैं। तो अगर उनका कुछ चेंजेस आता है, वैसे तो इससे पहले उन्होंने कोई भी फिल्में की है देखी हुई है तो उनमें कोई चेंजेस आए नहीं है, तो आई होप इसके बाद भी उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। बट लेट्स सी, क्रिसमस के मौके पर एक साथ दो फिल्में रिलीज हो रही है, एक 1983 और एक जर्सी, वो भी दोनों क्रिकेट से रिलेटेड, उन क्या कहना चाहोगे दोनों मूवी के? दोनों ही स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्म है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी 83 की जो जगह है वो सारे इंडियंस के दिल में एक खास जगह है, क्योंकि 83 का जो मैच रहा है वो यू नो हमारे लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट रहा है। तो मैं कह सकती हूँ अगर वो क्लैश है भी तो वो क्लैश मैं कहूँगी कि इंडियन ऑडियंस से हमारी एंटरटेनमेंट की जो ऑडियंस वो सारे पॉजिटिव वे में ले रही होगी, कोई क्लैश इतना कुछ बड़ा क्लैश नहीं है। मूवी का आप कितनी रेटिंग देना चाहोगे? मैं 5 में से 4.5 दूँगी। मूवी देख के आ रहा है आपको मूवी कैसी? बहुत ही प्यारी फिल्म है, मैं बार बार यही कहूँगा कि आप ये फिल्म को जरूर देखें क्योंकि ये 2019 की, 20 की, 21 की, 18 की, 22 की वन ऑफ द वंडरफुल फिल्म है, मतलब ये इसको बीट नहीं कर पाएगा कोई। 5 में कितने स्टार है तो स्टार वाली फिल्म नहीं है, मैं 5 में 100 देता हूँ। कुछ फिल्में आपको एक अंदर एक अलग तरह का जो मैं फील करके आया हूँ वो दे दी, और तुरंत फिल्म के बाद आप पूछ रहे हैं तो मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता इसके साथ। रणवीर और दीपिका इसमें बहुत अच्छे लगे हैं दोनों ने, रणवीर ने तो बिल्कुल जस्टिफाई किया है 10,000% उस रोल को कपिल देव के, एक ही कैरेक्टर अपने अपने रोल को बहुत अच्छे से जस्टिफाई करता है, फिल्म में कहीं कोई गलती नहीं है, बहुत प्यारी फिल्म है, जरूर देखें। कबीर खान सर के डायरेक्शन के बारे में कुछ? कबीर खान हर फिल्म के साथ देखिए हर आदमी सीखता है, उसका अपना अनुभव होता है, और कबीर सिंह ने मुझे ऐसा लगता है कबीर सिंह ये फिल्म बहुत पहले से बनाना चाहते थे और हर दिन इसके बारे में सोचते थे, इसलिए उन्होंने एक ऐसी इतनी प्यारी अच्छी फिल्म बना दी है, क्योंकि इसको उन्होंने इसका विजन सालों से देखा है। आप कबीर सिंह अगर आप मेरा ये रिव्यू देख रहे हैं तो मैं जानता हूँ इस फिल्म को आप 10 साल पहले बनाना चाहते थे, और जब आप अभी आप कैपेबल हुए तब आपने बनाई। थैंक यू।